अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर अगेन. थैंक्स फॉर क्लिकिंग. वेल, इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ वर्ड टू बी पर. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, ठीक है? फिर इस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको बआसानी समझ आ जाए. तो बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में वर्ब टू बी की, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ब टू बी है क्या, ठीक है? तो वर्ब टू बी बेसिकली वर्ब की एक काइंड है, मैं बताता चलूं, बाकी आप पीछे वाली वीडियो देखकर समझ सकते हैं. तब मैंने प्रेजेंट टेंस की बात की थी, वर्ब टू बी प्रेजेंट के बारे में बताया था. आज हम बात करेंगे वर्ब टू बी पास्ट पर, ठीक है? वर्ब टू बी पास्ट, पास्ट यानी कि माजी, गुजरा हुआ जमाना, यानी कि वो वक्त जो गुजर गया, चला गया, जा चुका है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर ये है टाइमलाइन, ओके? राइट नाउ इट इज प्रेजेंट, ठीक है? हम प्रेजेंट में मौजूद हैं. अब प्रेजेंट जो टाइम अभी चल रहा है, जो वक्त अभी चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है. और इस प्रेजेंट से पहले का, पिछला, जितना भी है, ये सब का सब क्या है? ये पास्ट है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब टू बी पास्ट की, और वर्ब टू बी का काम वही है जो मैं बता चुका हूँ. वी यूज दीज फॉर शोइंग स्टेट, कंडीशंस एंड एग्जिस्टेंस. जब हम किसी भी चीज़ की हालत, सूरत या फिर उसका वजूद बताते हैं, तो वो हम वर्ब टू बी के जरिए से इंग्लिश में बता सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर प्रोफेशन बताना है आपने किसी का, अपना, या फिर किसी का भी, किसी और का, नेशनैलिटी बतानी है, रिलेशन बताना है, क्वालिटी बतानी है, कुछ भी इस तरह से जो आपको बताना है, जो स्टेटिव है यानी कि हालत या सूरत है, तो उसको आप वर्ब टू बी के जरिए से या वर्ब टू बी की मदद से बता सकते हैं. वेल, ये फार्मूला है वर्ब टू बी प्रेजेंट का, ठीक है? करना क्या है, प्रेजेंट के जो भी फार्मूला है उसमें हमने जो वर्ब टू बी लगाए हैं वो वर्ब टू बी प्रेजेंट हैं. जैसे इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब टू बी हैं. इज एम आर, जब आप मौजूदा जमाने की बात करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे, लेकिन जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब आपने माजी की बात करनी है, गुजरे हुए वक्त की बात करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने प्रेजेंट के वर्ब टू बी को हटाकर, ठीक है, प्रेजेंट के वर्ब टू बी हटाकर हम यहां पर रख देंगे वॉज और वर, वॉज और वर. अक्सर स्टूडेंट्स को इनके प्रोनंसिएशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रोनंसिएशन इनकी अपनी दुरुस्त कर लें. वॉज वर, ठीक है? प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं, पास्ट में हम वॉज और वर लगाएंगे. अब हमें पता है सब्जेक्ट आठ हैं, जैसे आई, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम, ठीक है? इन सब के साथ हम पास्ट में वॉज लगाएंगे, ठीक है? इन सब के साथ वॉज लगाएंगे. यू, वी और दे के साथ हम वर लगाएंगे, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, आई के साथ भी वॉज आएगा, ठीक है? यू, वी, दे के साथ वर आएगा. जैसे प्रेजेंट में आई के साथ एम आ रहा था, यहां पर वॉज आएगा. ही, शी, इट, एनी नेम के साथ इज आ रहा था. पास्ट की जब भी बात करेंगे तो पास्ट में वॉज आएगा. यू, वी, दे के साथ आर लगा रहे थे प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में आर की जगह हम वर लगा देंगे. एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कुछ, ठीक है? एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. देखें, जैसे ये एग्जाम्पल है, मैंने अपनी जो है वो नेशनैलिटी बताई. जैसे मैंने कहा आई एम पाकिस्तानी, ठीक है? आई एम पाकिस्तानी. अब मैं प्रेजेंट टाइम की, मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं अभी, ठीक है? मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूं. लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं, गुजरे हुए टाइम की बात करूं, तो मैं क्या कहूंगा? एम को हटाकर मैंने क्या लगाना है? आई के साथ
एम को हटा दिया, ठीक है, ये मैंने एम को मिटा दिया। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, आई वॉज पाकिस्तानी, ठीक है, आई वॉज पाकिस्तानी। अब यू वी और दे के साथ हम प्रेजेंट में आर लगा रहे थे, पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। क्या करेंगे? आर के बजाय हम वर्ड लगा देंगे। जैसे वी आर हैप्पी था, तो अब क्या हो गया? वी वर हैप्पी, वी वर सैड, वी वर फैट, वी वर पुअर, वी वर रिच, ओके, वी वर हियर, वी वर एस्टोनिश, वी वर सैड, ओके। इसी तरह से ही शी इट एनी नेम के साथ हम प्रेजेंट में इज लगाते हैं, पास्ट में क्या लगेगा? पास्ट में वॉज लगेगा। तो भैया इज को हटा दिया, क्या लगाएंगे? वॉज। शी वॉज गॉर्जियस, शी वॉज टॉल, शी वॉज शॉर्ट, शी वॉज अगली। और भी मजीद एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जब आप अपने पास्ट की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं नोटी था बचपन में, जैसे मैं बचपन में शरारती था, तो कब था? बचपन में, पास्ट की बात कर रहे हैं, आई वॉज नोटी, ओके। इसी तरह से मैं जो है वो स्मार्ट था, कब था स्मार्ट भाई? पास्ट में, खैर अब भी हूँ, ओके। वेल, पास्ट प्रेजेंट दोनों का कॉम्बिनेशन आई गेस समझ आ गया होगा आपको। वेल, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह का सवाल है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने जो एग्जांपल्स आप बनाए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने एग्जांपल्स बनाकर चेक करने के लिए भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।